सलमान खान से कि किसी का भाई किसी की जान मूवी का ट्रेलर आज शाम को 6 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस मूवी के प्रमोशन के लिए SKF ने जिस तरह की प्रमोशन स्ट्रेटेजी को रखा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। विच मीन्स जहां पर इन्होंने ट्रेलर को काफ़ी कम टाइम जब रिलीज डेट में बचा है उस टाइम पर रिलीज़ किया है, अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन पहले, जो कि अक्सर हमने साउथ की मूवीज़ में देखा होगा इस तरह की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, या फिर पठान मूवी के अंदर। मूवी को रिलीज करने से पहले इन्होंने डेली एक एक पोस्टर वाली अपडेट दी जिस दिन इसके ट्रेलर की ऑफिशियल रिलीज डेट आई, उसके बाद से इन्होंने एक एक करके पोस्टर डालने चालू किए, कभी सलमान खान सर का सोलो पोस्टर, कभी पूजा हेगड़े मैडम के साथ। एंड आज भी सलमान खान सर ने इस टाइम पर जो है सुबह 11 बजे के करीब एक नया पोस्टर डाला, और इन सारे पोस्टर्स को देखने के बाद अपना इतना तो रिएक्शन था कि भाई पिक्चर मासी फैमिली इंटरटेनमेंट होने वाली है। विच मीन जहाँ पर आज के पोस्टर के अंदर सलमान खान सर का वो शेड हमको देखने को मिलता है जो एक मास रोल के लिए परफेक्ट साबित होता है एज ए लुक वाइज हो जाए, जो उनका एटीट्यूड उस पोस्टर के अंदर दिखता है। एंड मासी मूवी से याद आया कि जब आप सबको पता है कि सलमान खान सर की कोई मूवी आती है अक्सर, तो हम लोगों ने अक्सर अपने सोशल मीडिया में एक चेंज देखे होंगे जो कि अक्सर हमें साउथ इंडिया की तरफ से देखने को नहीं मिलते हैं। विच मीन्स हमारे आजकल के यूट्यूबर आएंगे एंड आज इनको जो है फिजिक्स एंड न्यूटन, या फिर जितने भी फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर हुए हैं, न्यूटन सर हो जाएं या फिर आइंस्टीन अंकल जी हो जाएं, इन सारे लोगों की थ्योरीज को आज ये लोग जो है एक साथ रखने वाले हैं। एंड मे बी बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस रहते हैं कि ये लोग मीजल करें, बिकॉज ऑफ कि इनका ये काम ही है कि बॉलीवुड से कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको कभी मास के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर, कभी किसी भी चीज़ के नाम पर ट्रोल किया जाता है। एंड यही सेम यूट्यूबर साउथ की तरफ से, तो आप सबको पता है कि किस तरह से उनका रिएक्शन रहता है, वो उस चीज़ को सदन सिनेमा बता के, उनका स्टाइल बता के एंड उसको एक क्लास बता के कि भाई ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आती है इसलिए साउथ वाले कर रहे हैं, ये सारा ज्ञान देके उसको एक तरफ कर ही देते हैं। जहाँ पर आपने देखा ही होगा कि हाल ही में जब पुष्पा मूवी का जो है फर्स्ट लुक रिलीज हुआ तो उसके अंदर उन्होंने कई सारे लोगों ने जो है बोला कि हाँ ये लुक मासी है, अल्लू अर्जुन सर ने काफ़ी अच्छा गेटअप लेके रखा है। एंड आपन ने जब उसको ट्रोल किया तो बहुत सारे लोगों ने तो पहले बोला कि तुझे सेंस नहीं है सिनेमा का, दूसरे नंबर पर उस मूवी के अंदर जो अल्लू अर्जुन सर ने जो है गन कैरी करके रखी थी, एंड मैंने जब उसको शमशेरा के साथ कंपेयर किया तो लोगों ने बोला कि वहाँ एक फेस्टिवल होता है एंड उस फेस्टिवल पे मेंस जो है वो एक अर्धनारी सोई का गेटअप लेते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों ने मेरे इस पॉइंट को समझा ही नहीं कि भाई मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा था कि गेटअप आपने किसका ले रखा है, बल्कि इस बारे में बात कर रहा था कि जहाँ पर एक तरफ बॉलीवुड में अगर कोई मूवी के अंदर कोई एक्ट्रेस जो है एक कलर का कुछ कपड़ा पहन ले तो उससे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, एंड यहाँ पर इस पूरे पोस्टर में एक देवी रूप वाले इंसान ने जो गन पकड़ के रखी है उस पर लोग ऑफेंड क्यों नहीं हुए हैं। एंड यही सेम चीज़ें आज आपको शायद से देखने को मिल सकती हैं, जो कि अपना एक बोल्ड प्रेडिक्शन है। एंड ट्रेलर देखने से पहले ही शायद मैं इसीलिए इतना श्योर भी हूँ बिकॉज ऑफ कि इन लोगों ने जो है टीजर के अंदर भी यही सेम ज्ञान दिया था कि भाई साहब देखो सलमान खान सर एक लात मार रहे हैं एंड गाड़ी हवा में उड़ रही है, विच मीन्स ऐसा कोई सीन किसी का भाई किसी की जान मूवी के टीजर के अंदर आता है एंड उस पर बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था, या फिर मेट्रो वाला सीन हो जाए कि मारा एक लात तो दूसरी ट्रेन के एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर गए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर यही सेम रिएक्शन ये लोग आपके सामने रखने वाले हैं देन आप खुद ही सोच सकते हो कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं होती इनके क्षेत्र में, बल्कि इनको सिर्फ बॉलीवुड से ही प्रॉब्लम होती है। विच मीन्स जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले से ये धंधा बना के रखा है, स्पेशली बॉलीवुड के अंदर सलमान खान सर, क्योंकि वही इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो मासी क्लासी हर एक टाइप की मूवी बनाते हैं, वो थोड़ा सा एक्शन को अपने इन्हेंस करके रखते हैं ताकि ऑडियंस को वो कूल लगे एंड ऑडियंस उस पर सीटी तालियां बजाती भी है, लेकिन जो लोग थिएटर जाएंगे उन्हें पता होगा ना थिएटर का एक्सपीरियंस, यहाँ पर बैठ के ज्ञान देना तो अलग ही बात होती है। तो ऐसा भी बहुत पहले हो चुका है, जिन मूवीज को ट्रोल नहीं करना चाहिए था या फिर उतना ट्रोल मटेरियल नहीं थी वो भी सलमान खान सर के नाम को जुड़ने के कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई हैं। विच मीन्स अगर आप देखोगे जाके तो इस तरह को लोग ट्रोल करते हैं उसके एक्शन के लिए, उसकी जो स्टोरी के लिए, लेकिन अगर वही तुम साहू मूवी को देखोगे जाके, कोई जो है हेट नहीं है प्रभास सर से, तो उसको लोगों ने उतना ज़्यादा भी ट्रोल नहीं किया था। खैर आपको इस पूरे मैटर पर क्या कहना है एंड आपका क्या रिएक्शन रहेगा जब कोई यूट्यूबर आज इस मूवी के बारे में फिजिक्स का ज्ञान मारेगा, तो उससे दो शब्द आप कौन से कहने चाहोगे ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड रही बात ट्रेलर की, तो ट्रेलर का इंतजार तो काफी ज्यादा अच्छे लेवल पर है ही, क्योंकि जिस तरह से इसके अपने पोस्टर डाले हैं एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ चुका है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इतना सारा ज्ञान देने के बाद शायद से तुमको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, और समझ में आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे चल के अपडेट्स वगैरह सारी चीजें होती रहती हैं इधर। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, और वैसे भी छोटा भाई हूँ तुम्हारा यार, तो चैनल तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, ओके बाय, जय।